सुप्रीम कोर्ट का एनआरओ अमल दरामद केस पे वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर इजहार वजूद का नोटिस, 19 जनवरी को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, यूसुफ रज़ा गिलानी 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, इजलास में फैसला। चेयरमैन नैब फसीह बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली, साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के रेड वारंट जारी। मेमो कमीशन ने मंसूर एजाज को पेश होने के लिए 25 जनवरी तक मोहलत दे दी, ब्लैकबेरी कंपनी का मंसूर एजाज और हुसैन हकानी के पैगामात का डाटा फराहम करने से इनकार। सदर आसिफ अली सरदारी से वजीर आजम और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल खालिद शमी माइन की मुलाकात। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत ने सदर आसिफ अली सरदारी की करप्शन छुपाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया, नून लीग अगर संजीदा है तो पंजाब हुकूमत से इस्तीफे दे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से दुबई में शुरू होगा। और हॉलीवुड एक्शन हीरो मार्क वॉलबर्ग की नई थ्रिलर फिल्म कंट्राबैंड बॉक्स ऑफिस पर छा गई, 3 रोज में 2 करोड़ 56 लाख डॉलर्स का बिजनेस।